सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विकास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्नो विकास चैनल में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं विकास। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूं जिससे दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप के वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप चाहते हैं कि IMO या फिर बीगो लाइव जो एप्लीकेशन है उसका वीडियो जो है उसको रिकॉर्ड करना, तो आप इस सॉफ्टवेयर के द्वारा उसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो फेसबुक के वीडियो कॉल को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के मदद से। तो दोस्तों, व्हाट्सएप में तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं दिया गया है, अभी कोई ऐसी सेटिंग तो नहीं दी गई है जिसके द्वारा आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप कर सकते हैं सारे वीडियो को रिकॉर्ड। तो आप इसके द्वारा अपने स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूं। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे इसे 10 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है। इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है, 4.8 इसकी रेटिंग दी गई है। और बात करते हैं इसके रिव्यू की, तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ रिव्यू दी गई है कि थैंक यू वेरी मच लियो रिकॉर्डर, और यहां पे बहुत सारे मतलब कि पॉजिटिव रिव्यू आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इससे साफ जाहिर है कि ये एप्लीकेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल है आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। आप इसे किसी भी यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो गया। मैं इसे ओपन करता हूं और आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सेटिंग अलाउ करने के लिए बोलेगा, आपको सारे चीज़ों पर अलाउ कर देना है और फिर बैक आना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे मोड मिल जाएंगे इसके द्वारा। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का पॉपअप जो है डिस्प्ले होने लगेगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको बहुत सारे आते हैं ऑप्शन, स्नैपशॉट का, फिर रिकॉर्डिंग का, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ये रही इसकी मीनू। तो आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एडिट वीडियो का दिया हुआ है, मर्ज वीडियो का दिया हुआ है, वीडियो GIF बनाने के लिए दिया गया है, वाईफाई ट्रांसफ़र करने का दिया गया है, मतलब कि आप किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है, मतलब आप सेट कर सकते हैं कि आपका जो वीडियो रिजोल्यूशन है वो कितने का हो, वीडियो क्वालिटी है वो कैसी हो, फ्रेम पर सेकेंड आपका जो है वो किस तरीके का हो। जनरली 26 FPS वीडियो होती है, लेकिन आप सेट कर सकते हैं कि आपको कम रखना है FPS या फिर ज़्यादा रखना है। और आपको इसमें ये सेट करना होता है कि आप सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर अपना ऑडियो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं। वीडियो लोकेशन यहाँ पे आपको करना होगा, रिकॉर्डिंग मोड है, ये सब आप कर सकते हैं यहाँ से। आप जैसा कि आप बहुत सारा ये ऑप्शन है, आप चाहे तो ब्रश को इनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मोड मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं कुछ भी, तो ये ड्रॉ हो जाएगा। तो आप अपने रिकॉर्डिंग में जैसे कि किसी को हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर इस पर क्लिक करके आप चाहते हैं कि इस तरीके से एक लाइन खींचा जाए या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से, तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि आपके वीडियो में ही इस तरीके का आपका आ जाएगा कि आप उसमें हाईलाइट कर रहे हैं और उसी तरीके का वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कि हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना व्हाट्सएप खोला और मैं किसी, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं ये किसी चैनल है, और उसके बाद मैं यहां पे इसे वीडियो कॉल अगर करता हूं तो इस तरीके से आप इसे वीडियो कॉल कर सकते हैं। और आपको यहां पे बस इनेबल करना होगा। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि रिकॉर्डिंग जो है वो चालू हो गया है, और इस तरीके से आप जो है अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए सिर्फ इसे दबाना होता है, रेड वाले बटन को जो मैंने दबा रखा है, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर किसी को भी कॉल कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको दिखाया अभी रिकॉर्ड करके, तो दोस्तों आपको जो मैंने बताया आपके समझ में आ गया होगा। और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, मैं आपको इसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का वीडियो था मेरा वो आपके पूरे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो में नए टिप्स और टेकी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।